এবং মার্বেল এন্ড গ্রানাইট ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মেলবন্ধন এখন গড়বাড়ি আরামবাগে ফোন 9475179586 কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ পরিদর্শনে এসে এরাজ্যে তৃণমূল সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। এ বিষয়ে তিনি তৃণমূলের পাশাপাশি কংগ্রেস ও সিপিএম এর কড়া সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, মণিপুরের হিংসা নিয়ে সবাই সরব হচ্ছেন, কিন্তু বাংলার হিংসা ও নারী নির্যাতন নিয়ে কংগ্রেস ও সিপিএম নির্বাক ভূমিকা পালন করছে। উল্লেখ্য, এদিন তিনি দলের সাংগঠনিক কর্মসূচিতে খানাকুলে আছেন। তার আগে তিনি কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ পরিদর্শন করেন। তারপরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় বাংলায় ভোট লুট ও হিংসার অভিযোগ তুলে সরব হন। তার সঙ্গে ছিলেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদক বিমান ঘোষ সহ বিজেপির বিভিন্ন বিধায়ক এবং রাজ্য ও জেলা স্তরের নেতারা। সাংসদ বেঙ্গল কে জনতা নে বতা দিয়া হ্যা কি মমতা জি আপসে জনতা দুঃখি হ্যা ত্রস্ত হ্যা ওর আপকি বিদায় চাহতি হ্যা ওর আনে বালে লোকসভা চুনাব মে নরেন্দ্র মোদি জি ওর ভারতীয় জনতা পার্টি কো সমর্থন দেঙ্গে। লেকিন মেরা সবাল কংগ্রেস পার্টি কে নেতাওঁ সে বিপক্ষী দল কে কমিউনিস্ট পার্টি কে নেতাওঁ সে ক্যা জব উনকে নেতা ইয়াহাঁ পর মর রহে হ্যা জিনকো মারা যা রহা হ্যা মারপিট হো রহি হ্যা তো ক্যা কংগ্রেস ওর কমিউনিস্ট अपने कार्यकर्ताओं को बंगाल की धरती पे मरते रहने देंगे, मारपीट होने देंगे, लोकतंत्र की हत्या होने देंगे? अरे मणिपुर तो चले गए, मणिपुर से कई गुना ज़्यादा घटनाएं बंगाल में हुई। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मैं पूछता हूँ, कहाँ है आपकी आत्मा? अरे अधीर रंजन चौधरी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी कभी बंगाल भी आएंगे? नहीं तो यहाँ की जनता कहेगी जब हम मर रहे थे, जब मारपीट हो रही थी, तब कांग्रेस के नेता यहाँ नजर नहीं आए। और कांग्रेस का वो नेता जो अदालत में जाके गुहार लगा रहा था कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है, वो मणिपुर तो जा रहा है बाकी 20 दलों को लेकर, लेकिन पश्चिम बंगाल लाने का उसका हिम्मत नहीं बन रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल आओगे तो इन सांसदों पर लाठी ममता बनर्जी की सरकार भी। क्या डरते हैं ममता जी के राज में आने से सभी सांसद? तो मैं बंगाल की धरती से आह्वान करता हूं उन सभी नेताओं से जो आज मणिपुर तो गए हैं लेकिन महिलाओं के साथ उनकी इज्जत लूटने का खिलवाड़ जो बंगाल की धरती पर हुआ, क्या वो सांसद कभी बंगाल की धरती पर आएंगे? क्या वो रामकृष्ण परमहंस जी की धरती पर आएंगे? क्या वो स्वामी विवेकानंद जी की धरती पर आएंगे? क्या वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की धरती पर आएंगे? क्या वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की धरती पर आएंगे? क्या वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर आएंगे? ऐसे अनेक को अनेक नाम में गिना सकता हूं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपना योगदान दिया या स्वतंत्रता के बाद भी देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। आज उस धरती पर मानवता शर्मसार हो रही है और तृणमूल पार्टी अपराध अपराधियों को, गुंडों को संरक्षण दे रही है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मानवता को शर्मसार करने वाली, महिलाओं की अपराध वाली और उनके साथ दुष्कर्म करने वाली घटनाएं बंगाल में घट रही हैं, लेकिन ये 21 सांसद जो मणिपुर गए, क्या उनकी आत्मा उनको ये नहीं कहती कि हमें बंगाल भी आना है, यहाँ की महिलाओं का दुख दर्द भी जानना है? सर एक बात ये, 2021 के बाद ऐसे पुष्कुल वाले बहुत सारा दिखा गया है बंगाल में, तो सिचुएशन अभी चेंज नहीं होता है बंगाल का, पंचायत चुनाव में भी। देखिए, अगर कोर्ट कहता है कि चाहे व्हाट्सएप पर, इंटरनेट पर आप अपना नॉमिनेशन कर लीजिए, तो यहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, सीसीटीवी कैमरा की फुटेज अगर कोर्ट में दिखाने के लिए कहा जाता है तो यहाँ की पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। यहाँ के बैलेट बॉक्स लेकर भागते हुए बहुत सारे लोग दिखते हैं, उनके वीडियो सामने आते हैं, लेकिन ममता सरकार थोड़ी सी भी शर्मसार नहीं होती है। यहाँ के नालों में, नदियों में बैलेट पेपर पड़े हुए मिलते हैं, तब भी उस पर कोई बात नहीं होती है। यहाँ पे बैलेट पेपर पर ठप्पे लगाते लगाते वीडियो सबके सामने आते हैं और आप सब मीडिया के सामने किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई सब समझ आता है, लेकिन ममता बनर्जी जी दो शब्द भी नहीं बोलती है, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को मार दिया है। एक मुख्यमंत्री बन के जहाँ कानून व्यवस्था चरमरा गई, वहीं पर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती, व्यापारी पलायन कर रहे हैं,
और यहाँ में जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। सत्ता के लिए हत्या, इसमें भी पीछे ममता जी की सरकार पार्टी पीछे नहीं हटती। ये गंभीर आरोप ही नहीं, एक तरह से एक बदनामी जो पश्चिम बंगाल की हुई है कि किस तरह से हत्याएं होती हैं, किस तरह से महिलाओं का अपराध बढ़ता है। और जो हमारे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी, पूर्व मंत्री, और हमारे अन्य सांसदों के साथ उनकी रिपोर्ट में भी कहा गया है बंगाल में जो घटा वो मानवता को भी शर्मसार करता है, यहाँ की कानून व्यवस्था चरमरा गई उस पर भी प्रकाश डालता है, और यहाँ की सरकार स्वयं कैसे शामिल होती है, ये सारी बातों का विस्तार में उसमें उल्लेख किया गया है। लेकिन तृणमूल पार्टी बिल्कुल चुप है, मौन है और लोगों को मरने पर मजबूर कर रही है। अनुराग जी, उपाध्यक्ष के पद से, केंद्रीय उपाध्यक्ष के पद से এসি নার্সিং হোম 24 ঘন্টা ডক্টর সার্ভিস ও এমার্জেন্সি পরিষেবা ছাড়াও প্যাথোলজি, ডায়ালিসিস, আইসিইউ এবং যাবতীয় টেস্ট একই ছাদের তলায়। স্বাস্থ্যসাথী মান্যতাপ্রাপ্ত এসি নার্সিং হোম করুণা সিনেমার পিছনে, বেনেপুকুর রোড, আরামবাগ। বিবাহে বাধা, দাম্পত্য কলহ, ব্যবসা বাধা, চাকরির সমস্যা, বিদ্যায় বাধা, প্রেমে ব্যর্থ, সাংসারিক অশান্তি, মাঙ্গলিক দোষ, কালসর্প দোষ সহ যে কোনো সমস্যার সহজ ও গ্যারান্টি সহ সমাধান পেতে আসুন শ্রী অজয় শাস্ত্রীর কাছে। প্রতি রবিবার রবীন্দ্রপল্লী আনন্দমার্গ স্কুলের সন্নিকট, আরামবাগ। প্রতি ইংরাজি মাসের প্রথম ও তৃতীয় বৃহস্পতিবার অভিষেক লজ, কোতুলপুর। এছাড়াও বসছেন বিষ্ণুপুর, শিয়াখালা, কলকাতা, বর্ধমান, দুর্গাপুর ও শিলিগুড়ি। অগ্রিম নাম নথিভুক্ত করতে ফোন করুন 9933-8549-84।